एक तरफ कांग्रेस की बैठक और एक तरफ टीम मोदी की बैठक, दोनों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आखिर कौन नेता किसके तरफ जाएगा और क्या चुनाव के लिए हो सकता है? बता दें कि बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी ये विस्तार हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम में फेरबदल का खाक तैयार हो गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने को देखते हुए ये बदलाव हो सकते हैं। इसी साल 8 जून को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें कुल 12 चेहरे को जगह दी गई थी, जबकि कुछ बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई थी। मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों के बाद बीजेपी सांसदों में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि खरा मास इस महीने में हिंदू कैलेंडर में कोई अहम काम नहीं किया जाता। इसके बाद मकर संक्रांति के अवसर पर यह बदलाव हो सकता है। 2024 के आम चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में ये आखिरी बदलाव हो सकता है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी नए चेहरे के साथ शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। वहीं इधर कांग्रेस भी अपने नए चेहरे को देखते हुए कई बदलाव किए हैं और नए साल पे वो बहुत ज़बरदस्त बदलाव करने में लगी है। इसी कारण ये बीजेपी को देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अपना अहम कदम उठाते हुए बदलाव में लग चुकी है। सूत्रों ने बताया कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ के राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इन बदलाव के जरिए अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल में न केवल मंत्रियों के परामर्श पर ध्यान रखा जाएगा, बल्कि रोटेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि अन्य को भी मौका मिल पाए। इसके जरिए काबिल सांसदों को मौका देना और कुछ मंत्रियों का इस्तेमाल संगठन में करना अनिवार्य है। तो इसको देखते हुए सभी की आंखों में ये खौफ बना हुआ है कि आखिर में बीजेपी निकल ना जाए और कांग्रेस निकल ना जाए, दोनों में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।